महाराजा रणजीत सिंह एक ऐसे सिख शासक जिन्होंने लाहौर को जीतकर अपनी राजधानी बनाई, जिन्होंने अफगानों से कश्मीर जीता और सिख साम्राज्य को अफगानिस्तान तक लेकर गए, जो इतने लोकप्रिय थे कि मरने के बाद उन्हें 180 तोपों की सलामी दी गई। और जब उनकी अस्थियां लाहौर की सड़कों से ले जाई जा रही थीं, तब लोगों ने अपने घरों की छतों से फूल बरसाए। रणजीत सिंह की मौत आज ही के दिन साल 1839 में हुई थी। नमस्कार, मैं हूं शुभ्रा सुमन और जानना जरूरी है कि शेरे पंजाब कहे जाने वाले राजा रणजीत सिंह को दुनिया के सबसे महान राजाओं में क्यों शुमार किया जाता है। कहानी शुरू होती है साल 1747 से, जब अहमद शाह अब्दाली अफगानिस्तान का शासक बना। उसे अहमद शाह दुर्रानी के नाम से भी जाना जाता है। गद्दी मिलते ही उसने अपनी सल्तनत को बढ़ाना शुरू कर दिया। उसने भारत पर 8 बार आक्रमण किया और हर बार मारकाट और लूट मचाई। दुर्रानी के हमलों को पंजाब में एक कहावत के जरिए याद किया जाता है, खाता पीता लाहेदा रहंदा अहमद शाहेदा, यानी जो खाया पिया वो अपना है, बाकी अहमद शाह लूट ले जाएगा। अब आते हैं साल 1797 में। तब अफगानिस्तान पर अहमद शाह के वंशज जमन शाह का शासन था। उसने 12,000 सैनिकों के साथ पंजाब पर हमला किया। तब रणजीत सिंह केवल 17 साल के थे। पिता महासिंह की मौत के बाद शासन की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई थी। पंजाब पर कब्जे में नाकाम रहने के बाद जमन शाह ने 1798 में फिर से हमला किया। इस बार रणजीत सिंह ने खास रणनीति अपनाई। उन्होंने जमन शाह की सेना की रसद सप्लाई तबाह कर दी। इसके बाद मजबूर होकर अफगान फौज को वापस लौटना पड़ा। ये रणजीत सिंह की बड़ी कामयाबी थी। जमन शाह के लौटने के बाद जुलाई 1799 में रणजीत सिंह ने लाहौर पर कब्जा कर लिया। 1801 में 20 साल की उम्र में उन्हें ताज पहनाया गया। इसके बाद रणजीत सिंह ने सिख साम्राज्य का विस्तार शुरू किया। साल 1802 में उन्होंने अमृतसर को अपने साम्राज्य में मिला लिया। 1807 में अफगानों को हराकर पंजाब के कसूर पर कब्जा किया। 1818 में मुल्तान और कश्मीर को अपने राज्य में मिला लिया। 1819 में अपने कमांडर हरि सिंह नलवा की मदद से पेशावर समेत पश्तून इलाके को रणजीत सिंह ने सिख साम्राज्य का हिस्सा बना लिया। कुछ दशकों में रणजीत सिंह ने पंजाब की तस्वीर बदल दी। अहमद शाह अब्दाली ने जो दहशत फैलाई थी, उसे रणजीत सिंह ने सिखों के दबदबे में बदल दिया। चेचक की वजह से बचपन में ही रणजीत सिंह की एक आंख की रोशनी चली गई थी। इसे लेकर रणजीत सिंह बेहद दिलचस्प बात कहते थे, भगवान ने मुझे एक आंख दी है, इसलिए उससे दिखने वाले हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अमीर गरीब मेरे लिए सभी बराबर हैं। राजा रणजीत सिंह ने पंजाब में सेक्युलर शासन कायम किया। उन्होंने हिंदुओं और सिखों पर लगाए जाने वाले जजिया टैक्स पर रोक लगा दी। वो हिंदू मंदिरों को दान देने के लिए भी मशहूर थे। काशी के प्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर को उन्होंने सोना दान में दिया था। रणजीत सिंह ऐसे शासक थे जिन्होंने कभी किसी को सजाए मौत नहीं दी। 27 जून 1839 को उनके निधन के बाद सिख साम्राज्य का पतन शुरू हो गया। आज जानना जरूरी है में इतना ही। ऐसे ही और वीडियोस के लिए बने रहें दैनिक भास्कर ऐप पर।